आज हम त्रिकोणमिति का बेसिक प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अब वीडियो को अंत तक से देखिए, कुछ सीख कर जाएंगे, ठीक है ना। तो हम सभी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार, और कोण थीटा बराबर आधार बटा लंब, ठीक है। अब रही बात की इस चीज को हम भूल जाते हैं, इसके लिए हमने ट्रिक बनाया है। इस ट्रिक को देखें आप, साइन थीटा बराबर पूछे कोई लंब बटा में कर्ण, एल से लंब बोले और के से कर्ण, ठीक है। उसी तरह जैसे जब आपको कोसेक थीटा पूछा जाए तो आप नीचे से चले जाइए ऊपर, कर्ण बटा में लंब बोल दीजिए, कॉस थीटा पूछे आधार बटा में कर्ण, और सेक थीटा पूछे तो कर्ण बटा में आधार, टेन थीटा पूछे लंब बटा में आधार, और कोण थीटा पूछे तो आधार बटा में लंब। इस तरह से आपने छह फॉर्मूला को याद कर लिया, ठीक है। तो आपको रटना नहीं है, बस इस ट्रिक को समझ जाना है कैसे हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, आपको बनाने आ जाएगा। फिर इसी तरह से आप यहां पर देखें कि हमने लिखा है साइन थीटा बराबर वन बाई कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए ऊपर लिखा है साइन थीटा और नीचे लिखा है कोसेक थीटा, ठीक। तो आपको यह समझना है कि साइन थीटा पूछे तो वन बाई कोसेक थीटा, उसी तरह से जब कोसेक थीटा पूछे तो वन बाई साइन थीटा बोल दीजिए, है ना। उसी तरह से कॉस थीटा पूछा जाए तो कॉस थीटा, इसके नीचे क्या लिखा है, सेक थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एक बटा में सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा एक बटा में कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरह से टेन थीटा के नीचे लिखा हुआ है कॉट थीटा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा वन बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा वन बाई टेन थीटा, ठीक है। तो आपने 12 फॉर्मूले बना दिए इस ट्रिक से। अब उसी तरह से तीन फॉर्मूले और हम बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऊपर क्या है साइन थीटा, नीचे क्या है कोसेक थीटा, जब इन दोनों में गुणा करेंगे, ठीक है, तो इसका रिजल्ट वन होता है। यहां पर हमने किया है साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर क्या होता है वन, उसी तरह से कॉस थीटा में और सेक थीटा में गुणा होगा तो इसका भी रिजल्ट वन आएगा, ठीक है, और टेन थीटा में और कॉट थीटा में गुणा होगा तो इसका भी रिजल्ट वन आएगा। तो आपने इस ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, टोटल आपने 15 फॉर्मूले बना दिया। इसी ट्रिक के माध्यम से 6 फॉर्मूले और बनाएंगे, ठीक है, इसलिए टोटल जो हमारा फॉर्मूले होंगे इससे 21 फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है। तो देखिए 6 फॉर्मूले और देख लीजिए, ट्रिक वही है ये, ठीक। थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है कि यहां पर साइन और कोस को मिला दिया गया और यहां पर लिखा गया है 90 माइनस थीटा, टेन और कोट को मिलाया गया है और यहां पर लिखा गया है 90 माइनस थीटा, कोसिक और सेट को मिलाया गया है, यहां पर लिखा है 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से आप बोलेंगे ऐसे कि साइन 90 माइनस थीटा, क्या बोलेंगे आप, कॉस थीटा। अब उल्टा चलेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है ना। उसी तरह से यहां पर आइए टेन और कॉट में आइए, टेन 90 माइनस थीटा, क्या बोलेंगे आप, कॉट थीटा। अब उल्टा चलिए, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, ठीक है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और उल्टा चलिए, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। इस तरह से आपने 6 फॉर्मूला और बना दिया, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर 21 फॉर्मूले आपको इस ट्रिक के माध्यम से बन गए, ठीक है। तो बच्चों आपसे ये कहना है कि आप एक कॉपी पर इस ट्रिक को लिख लो, ठीक है, और इस ट्रिक से तुम स्वयं 21 फॉर्मूले बनाने की प्रैक्टिस करो, ठीक है, मजा आ जाएगा। और उसके बाद हम 4 फॉर्मूले और बनाते हैं, 22 नंबर, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्रॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, ठीक है। 23 नंबर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, और 24 नंबर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। 25 नंबर, साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, या कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। इस तरह से आपने टोटल 25 फॉर्मूले देखे, और मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक के यानी कि 10वीं क्लास के त्रिकोणमिति के हर एक सवाल को लगाने के लिए आपको मात्र 25 फॉर्मूलों की जरूरत है, ठीक। तो हमने तो 21 फॉर्मूला तो ट्रिक के माध्यम से ही देख लिया, तो ये ट्रिक के माध्यम से हमने तो 21 फॉर्मूला देख लिया, तो भाई हमको याद कितने फॉर्मूले करने होंगे, मात्र 4, ठीक है ना, मात्र 4 फॉर्मूले याद करने होंगे। 21 आप ट्रिक के माध्यम से बनाना सीख जाइए, 4 फॉर्मूले आप रख लीजिए, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, और साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर टेन थीटा, या कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ और बातें जाननी है, यहां पर ध्यान दीजिएगा।
साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 0 से लेकर 90 तक के बीच की वैल्यू जाननी है, 30, 45, 60, ठीक है ना, इतनी की वैल्यू जाननी है आपको, 0 की, 30 की, 45 की, 60 की और 90 की, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। उसी तरह से कॉस थीटा के लिए क्या करेंगे आप, यहां पर जो 1 लिखे हैं शुरू में कर दीजिए, मतलब जो अंत वाले को शुरू में कर दीजिए, शुरू वाले को अंत में कर दीजिए, ठीक है ना। यानी कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0 होता है। टेन थीटा के लिए क्या करेंगे कि जो ऊपर क्या लिखा हुआ है 0 और नीचे क्या लिखा हुआ है 1। अब बताइए आप हमें कि 0/1 का मान क्या होता है, 0 होता है, बस बटा कर देना है दोनों को, क्योंकि आप यहां पर जानते हैं कि जो टेन थीटा का जो सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। तो चलिए 1/2 है ऊपर और नीचे क्या है √3/2, तो 1/2 और फिर नीचे है √3/2 और दो दो क्या हो जाए कट जाएगा 1/√3, देखिए यहाँ पर 1/√3 आ गया। उसी तरह से 1/√2 और फिर नीचे 1/√2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, √3/2 और बटा में 1/2, दो दो कट जाएगा √3 आ जाएगा। 1/0 याद रखना हो कि 1/0 होता है तो इसको अपरिभाषित कहा जाता है, ठीक है। तो आपने साइन थीटा का मान निकाल लिया, कॉस का निकाला, टेन का निकाला, ठीक। लेकिन सवाल ये बनता है कि तुमसे कोसेक का पूछ दे तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि साइन थीटा का अगर मान आपको याद है, ठीक, तो आपको कोसेक का भी मान याद हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा अगर साइन 30 का मान 1/2 है तो कोसेक 30 का मान 2/1 हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा यहां पर इस सूत्रों में कि जो साइन थीटा होता है 1/cosec थीटा, यानी कि साइन थीटा जो होता है कोसेक थीटा के ठीक उल्टा होता है, और कॉस थीटा जो होता है ठीक सेक थीटा का उल्टा होता है, और टेन थीटा जो होता है ठीक कॉट थीटा का उल्टा होता है। बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो इस तरह से हमने टोटल 25 फॉर्मूले प्लस में 0 से 90 डिग्री के बीच की जो वैल्यू है उसका हमने देखा, किस तरह से हम इसको देखेंगे, कैसे हमें याद करना है, ठीक है। तो अब जो है कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको हम लगाते हैं, देखिए ध्यान से। लिखा है 10 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 इंटू 10 80, हमने प्रश्न को लिख दिया यहाँ पर, ठीक। 10 10 डिग्री है तो 90 में से 80 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 15 डिग्री है तो हम 90 में से 75 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये 10 75 को 10 75 10 80 10 80 लिख दिए। अब रही बात की इस तरह से लिखने से हमारा सूत्र पर बैठ जा रहा है, 10 90 माइनस थीटा, अभी पीछे हम पढ़ कर आए, ठीक है। 10 90 माइनस थीटा, आप तो पीछे वाले जितने भी फॉर्मूले हैं पहले आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है, उसके बाद आपको अच्छा लगेगा। और तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। और ये 10 75 10 75 10 80 10 80, कॉट 80 के लिए आप क्या लिखेंगे 1/10 80, और कॉट 75 के लिए क्या लिखेंगे 1/10 75, ठीक है। और ये 10 75 10 75 10 80 10 80, 10 75 10 75 कट जाएगा, 10 80 10 80 कट जाएगा, रिजल्ट कितना 1, ठीक है। इस तरह से हमारा डी नंबर करेक्ट है। नंबर दो कहता है कि निम्नलिखित में कौन कोसेक थीटा के बराबर है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप सबको पता होना चाहिए कोस थीटा बटा में जो साइन थीटा होता है वो कॉट थीटा होता है, और 1/2 में जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है, और 1/2 में जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा होता है, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर वो होता है टेन थीटा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कोसेक थीटा, तो कोसेक तो यहाँ पर है, ठीक है। इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा, 1/2 साइन थीटा, यानी सी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। तीसरा प्रश्न है 2 × cos² 60 डिग्री, तो मैं आपसे कहना ये चाहूंगा कि 2 × 2 हो गया, कॉस 60 का जो मान क्या होता है, cos² 60 के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं cos² 60, ठीक है। तो cos 60 का मान 1/2 होता है, इसका पावर 2 दे दिए, ठीक है ना। अब एक बात बताइए हमको, 1 में 8 से गुणा होगा 1 और 2 में 2 से गुणा होगा 4, अब 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, यानी कि 1/2, ठीक है, यानी करेक्ट आंसर जो है डी नंबर होगा। नंबर 4 आपको समझ में बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है ना। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री है, तो कोस ए प्लस बी का मान बताएं। मैं कहता हूँ कोण सी बराबर 90 डिग्री है, तो सीधी सी बात है त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और कोण सी अकेला है 90 डिग्री हो गया, तो ए प्लस बी दोनों को मिलाए कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको समझ में आनी चाहिए कि कोण सी 90 हो गया तो ए प्लस बी कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो कॉस ए प्लस बी का मान पूछा है, तो ए प्लस बी की जगह पर कितना डिग्री रखेंगे, 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, बन गया मेरा सवाल, ठीक है।
नंबर पांच कहते हैं साइन 63 डिग्री बटा में क्रॉस 27 डिग्री, तो साइन 63 बटा में क्रॉस 27, तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि साइन 90 माइनस 27 बटा में क्रॉस 27, ठीक है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों लिखा गया, सुनिए ध्यान से, 90 में से 27 कट जाएगा तो 63 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से एक फॉर्मूला बन जा रहा है, कौन सा फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा जगह पर कितना है 27 और नीचे भी कॉस कितना है 27, कट जाएगा एक, ठीक। इस तरह से हमारा बी नंबर हो जाएगा। नंबर छह कहता है कि टेन थीटा बराबर 8/15 हो तो कोसेट थीटा का मान बताइए, तो हम कहते हैं कि टेन थीटा बराबर 8/15 है, ठीक है, और टेन थीटा का आपने पीछे सूत्र देखा कि लंब बटा में आधार होता है, तो लंब कितना है 8, आधार कितना है 15, तो हमने लिखा लंब 8 और आधार 15, तो एक चीज निकालना होता है कर्ण, ठीक है। तो कर्ण का सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा पहले भी पाइथागोरस प्रमेय, कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब कितना है 8 का स्क्वायर, आधार कितना है 15, 8 में 8 से गुणा हुआ 64, 15 में 15 से गुणा 225, जोड़ दिए 289, इसका वर्गमूल 17, तो आपसे पूछा गया है कोसेट थीटा, ठीक है। तो कोसेट थीटा का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटा में लंब होता है, तो कर्ण कितना है 17 और लंब कितना है 8, इस तरह से आपका आंसर जो आया 17/8, ठीक है, यानी कि ए नंबर। सातवां बिल्कुल इजी है, साइन 90 माइनस थीटा सब जानते हैं कि होता है कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू में है ये, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जगह पर क्या लिखेंगे आप, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जगह पर क्या लिखेंगे, कॉसेट स्क्वायर थीटा। आप ऐसे समझिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, तो हम पूछेगी आपसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो जो प्लस में जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब समझ में आया। उसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला नंबर आप 24 देख लीजिएगा, ये आपका जो है एक 22 नंबर फॉर्मूला है, ठीक है, और ये इसी तरह से आप 24 नंबर फॉर्मूला में देखिएगा, तो लिखवाए हैं हम कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में एक होता है, ठीक। तो उसी तरह से हम कहेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आओगे कोसेक स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर के लिए, साइन स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। 9 नंबर है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1, सेक स्क्वायर 60, सेक 60 का मान 2 होता है, ठीक है ना, क्योंकि कॉस अगर 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो आपका आंसर 1/2 होता है, तो कॉस 60 का मान 1/2 है, तो सेक 60 डिग्री के लिए क्या करेंगे आप, इसका उल्टा कर देंगे, 2/1 कर देंगे, तो 2/1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 × 2 = 4 - 1, कितना आंसर आ गया, 3 आ गया। 49/cot 48, तो 49/cot 48 है, तो आप सभी बच्चे जानते हैं टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, सब जानते हैं, तो आप 90 में से 49 घटा दीजिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 48, यानी कॉट 48 लिख सकते हैं, नीचे क्या है कॉट 48 कट जाएगा, एक आंसर आ जाएगा, इस तरह से हमारा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब 1/√3 किसके बराबर है, तो हम सभी को पता होनी चाहिए, यदि टेन 60 का जो मान होता है रूट में 3 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और टेन 30 का मान 1/√3 होता है, तो हमसे 1/√3 पूछा है, यानी टेन कितना डिग्री हो जाएगा 30, ठीक है। अब 12 नंबर कहता है टेन पाई बाई 2 का मान क्या होगा, तो सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे, पाई का मतलब होता है त्रिकोणमिति में 180 डिग्री, ठीक है ना, यानी कि पाई बराबर आपको त्रिकोणमिति में कितना डिग्री लिया जाता है 180 डिग्री, और आपको पाई बाई 2 के बारे में बता रहा है, ठीक है ना, तो पाई बाई 2 का मतलब 180 में 2 से भाग कितना आ जाएगा 90, यानी टेन पाई बाई 2 का मतलब टेन 90 डिग्री, और टेन 90 डिग्री जो होता है वो अपरिभाषित होता है, इसलिए हमारा सही जवाब होगा डी नंबर। 13 नंबर है कि 9 sec² θ माइनस 9 tan² θ बराबर क्या होगा, तो ये प्रश्न आपका दिया हुआ, इसमें से 9 आप कॉमन ले लीजिए, तो sec² θ माइनस tan² θ, ठीक है, 9 के 9 हो गया। आप जाके फॉर्मूला नंबर 23 में देख लीजिएगा, हमने ये फॉर्मूला लिखवाया है, कौन सा, 23 नंबर में जाके देख लीजिए आप, जो मैंने शुरू शुरू बताया है फॉर्मूले, टोटल 25 फॉर्मूले, उसमें से 23 नंबर जाकर देख लीजिए, sec² θ माइनस tan² θ बराबर एक होता है, और 9 में 8 से गुणा हुआ 9 हो गया, इस तरह से हमारा बी नंबर सही है, ठीक है। 14 नंबर है कि tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप सबको tan 0 से लेकर 90 तक का मान पता होना चाहिए, tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, tan 90 का मान अपरिभाषित होता है, तो tan 60 पूछा है, तो tan 60 के लिए कितना होगा √3 होगा,
तो हम लगा देंगे ए नंबर पे, ठीक है। कहते हैं कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो कॉस ए बराबर क्या होगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ओके, आप भी समझ रहे हैं कि ए प्लस बी बराबर 90 दिया हुआ, तो हम कह रहे हैं कि ए प्लस बी बराबर जब 90 है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस बी होगा। तो आपको कॉस ए निकालना है, तो ए की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं मुझे बता दीजिए, 90 माइनस बी लिख सकते हैं, और एक सूत्र बताइए कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो यहां पर साइन हो गया, और थीटा की जगह पर बी है तो हम बी लिख देंगे, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो साइन बी होगा, यानी कि कौन सा नंबर, सी नंबर होगा। उसी तरह से 16 नंबर कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बटा में कॉस 60 डिग्री माइनस 1, तो कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है बच्चे वो होता है 1 बटा में 2, और कॉस 60 डिग्री का फिर यहाँ पर भी 1 बटा 2, ऊपर प्लस 1 है नीचे माइनस 1 है, तो 2 में 8 से गुणा हुआ 2 है, 2 है 1 3, 3 बटा में 2 हो गया, और 2 में 8 से गुणा हुआ 2, 1 में से 2 कट जाए माइनस 1 बटा में 2, अब 2 और 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 3 बटा में माइनस 1 का मतलब क्या होता है, माइनस 3 होता है, ठीक है। इस तरह से 16 नंबर भी आपका क्लियर होता है। नंबर 17 है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आप सभी को पता होनी चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जाके फॉर्मूला नंबर 23 में देख लीजिए, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हमको सेक स्क्वायर थीटा अगर निकालना हो रहा तो हम जो माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है उस पर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका सही जवाब सेक स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। 18 नंबर कहते हैं कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो हम कह रहे हैं 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है तो 8 थीटा बराबर 30 डिग्री होगा, कोई दिक्कत है आपको, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 बटा में 3 हो जाएगा, और 90 में 3 से भाग देंगे तो 30 आ जाएगा, तो आपको कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, तो कॉस थीटा जगह पर कितना डिग्री है, 30 डिग्री, यानी कॉस 30 का मान क्या होता है, रूट 3 बटा में 2 होता है, तो हम यहाँ पर बी नंबर पर लगा देंगे, रूट 3 बटा में 2 होता है, ठीक है। साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4, फिर से मैं बोलना चाहूंगा आप सभी बच्चों से कि पाई का मान 180 डिग्री होता है, और पाई बाई 4 की बात कर रहा है तो पाई बाई 4 का मान कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, तो साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 दोनों का मान 45 है, दोनों का 45 पर दोनों बराबर होते हैं, 1 बटा रूट 2 1 बटा रूट 2, अब कट जाए तो कितना आंसर आएगा, 0। तो इस तरह से हमारा 19 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा, ठीक है। 20 नंबर जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में कोसेक स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जगह पर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में कोसेक स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में साइन स्क्वायर ए, अब जो साइन स्क्वायर है ऊपर चला जाएगा और कोसेक स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो साइन बटा में कोस क्या होता है, टेन होता है, स्क्वायर होता है स्क्वायर दे देंगे, यानी कि टेन स्क्वायर ए हो जाएगा हमारा डी नंबर हो जाएगा। टेन ए किसके बराबर हुआ, सभी को पता है कि जो टेन ए की बात कर रहे हैं ना, तो टेन ए, तो पहले हमें ये जितने भी सूत्र है सबको सूत्र को फिर से यहाँ पर हमने बताया है कि साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए होता है, वैसे उस समय थीटा पर था, अब ए है तो ए बोले, कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, साइन ए होता है, टेन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कोट ए होता है, कोट 90 माइनस ए क्या होता है, टेन ए होता है, कोसेक 90 माइनस ए क्या होता है, सेक ए होता है, सेक 90 माइनस ए क्या होता है, कोसेक ए होता है, तो हमारा सवाल तो टेन ए के लिए ना है, तो टेन ए के लिए क्या आया है, देखिए कोट 90 माइनस ए, तो आप लगा दीजिए कोट 90 माइनस ए, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो सीधी सी बात है 45 पर दोनों का मान बराबर होता है, चेक कर लीजिएगा, साइन 45 का इसका भी मान 8 बटा रूट 2 होता है, साइन कॉस 45 का भी इसका भी मान रूट 2 होता है, इसका मतलब क्या हुआ, बराबर है। वैसे प्रूफ भी कर सकते हैं कैसे, देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो आप साइन थीटा के लिए कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, यस या नो में जवाब दे दीजिए कॉमेंट में, साइन थीटा के लिए कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं, तो साइन थीटा की जगह पर कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और रही बात की कॉस क्रॉस जो है आप इसकी तुलना करिएगा, तो यहाँ पर एंगल है 90 माइनस थीटा और यहाँ पर जो एंगल है थीटा है, तो ये माइनस थीटा उधर चला जाएगा थीटा की तरफ, तो दो थीटा हो जाएगा और बराबर में 90 हो जाएगा, तो दो थीटा बराबर 90 हुआ तो थीटा बराबर इतने हो गया 45 डिग्री होगा। इस तरह से आपका 22 नंबर भी क्वेश्चन क्लियर होता है। 23 नंबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट, तो आप सभी को फॉर्मूले में हमने 22 नंबर में लिखवाया, 23 नंबर में और 24 नंबर में, ये तीनों फॉर्मूला इंपोर्टेंट है,
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्रॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी एक होता है। तो इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्रॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है, एक होता है। तो हम ए पर लगा देंगे, ठीक है। सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। तो हमने ये प्रश्न को लिख लिया, और सेक 70 है तो सेक 90 माइनस 20 भी हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये साइन 20 का साइन 20 हो गया, कॉस 20 की जगह पर कॉस 90 माइनस 70 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कॉसेक 70 है, कॉसेक 70 हो गया। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। और ये साइन 20 का साइन 20 ऐसे ही हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। और ये कोसेक 70 कोसेक 70 हो गया। कोसेक 20 के लिए आप 1 बटा साइन 20 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, जरा सोच समझ के बोलिएगा। कोसेक 70 के लिए 20 के लिए आप 1 बटा में साइन 20 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब गुणे साइन 20, ऐसी जैसे साइन 20 70 है तो 1 बटा में कोसेक 70 लिख सकते हैं। अब ये सब कट जाएगा तो रिजल्ट आपका इधर पे 1 में 8 से गुणा हुआ तो 1 आ गया, और इधर भी 1 में 8 से गुणा हुआ तो 1 आ गया, और 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से आपका सही जवाब डी नंबर होता है। 2 साइन ए बराबर रूट 3, तो ए का मान क्या है, 2 साइन ए बराबर रूट 3 है, तो हम कह रहे हैं साइन ए बराबर क्या हो रहा है, तो रूट 3 बटा में 2। अब मुझे बताइए कि रूट 3 बटा में 2 साइन में कितना डिग्री का मान होता है, तो पता चलेगा साइन 60 डिग्री का मान होता है। तुलना करिएगा तो ए बराबर 60 डिग्री आ जाएगा, तो बस हो गया तुम्हारा आंसर, ए बराबर 60 डिग्री। थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा प्लस क्रॉस थीटा का मान बताना है, तो साइन थीटा जगह पर 60 डिग्री, क्रॉस थीटा जगह पर 60 डिग्री हो गया। साइन थीटा बराबर रूट 3 बटा में 2 होता है, क्रॉस 60 डिग्री बराबर जो होता है, यानी साइन 60 डिग्री बराबर रूट 3 बटा में 2, उसी से क्रॉस 60 डिग्री बराबर 1 बटा में 2 होता है। अब 2 2 का आंसर 2 होता है, रूट 3 प्लस 1 हो गया आपका, तो यहां पर जो आपका ये आंसर हो जाएगा 2 sin 2 थीटा बराबर रूट 3 है, तो आप 2 है गुणा में इधर चला जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब रूट 3 बटा में 2 साइन 60 डिग्री का मान होता है, तो साइन 2 थीटा के लिए आप तो जैसे आप एंगल टू तुलना करें तो यहाँ पर 2 थीटा है और यहाँ पर 60 डिग्री है, ठीक है। यानी 2 थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 60 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 बटा में 2 यानी कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से ए नंबर करेक्ट है आपका। टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर रूट 3 है, तो टेन अल्फा बराबर 8 बटा रूट 3 है, तब टेन बीटा का मान बताइए। मैं कह रहा हूं कि टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर रूट 3 है, तो टेन अल्फा प्लस बीटा रूट 3 की जगह पर टेन 60 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। टेन जो है रूट 3 जो है वो टेन में कितना डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। तुलना करिए, इसमें एंगल अल्फा प्लस बीटा है, इसमें एंगल 60 डिग्री है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण पहला। उसी तरह से टेन अल्फा बराबर दिया हुआ है 1 बटा रूट 3, तो टेन अल्फा बराबर 1 बटा रूट 3 के लिए टेन 30 लिख सकते हैं, तो अल्फा बराबर कितना आएगा, 30 आ गया। अब अल्फा का मान ले जाके पहला में रख दीजिएगा, तो बीटा का मान जो है 60 में से 30 ही आएगा, ठीक है ना। इस तरह से दोनों का मान क्या आएगा, 30 ही डिग्री आएगा, ठीक है। यानी अल्फा भी 30 है और बीटा भी 30 है, तो टेन बीटा का मान पूछा है, तो बीटा जगह पर 30 डिग्री हो गया, तो टेन 30 का मान 8 बटा रूट 3 होता है, ठीक है। तो आप 8 बटा रूट 3 सी पर लगा लीजिए। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो हम सभी जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये जो माइनस में कोट स्क्वायर थीटा है उधर 1 की तरफ चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो सीधी सी बात है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ही होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो हम लगा देंगे बी नंबर पर, ठीक है। साइन 30 का मान क्या है, साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 8 बटा रूट 2 होता है, 45 का मान 8 बटा रूट 2 होता है, 60 का मान जो होता है रूट 3 बटा में 2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो सीधी सी बात है साइन 30 का मान पूछा है, तो 8 बटा रूट 2 हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो सेक ए के लिए 1 बटा में क्रॉस ए लिख सकते हैं, टेन ए के लिए साइन बटा में क्रॉस ए लिख सकते हैं, और ये 1 माइनस साइन ए जस्ट तस छोड़ दीजिए आप, तो इसका जो लसन डालेंगे तो आपका इतना आएगा, ठीक है ना। और ये जीव जीव प्रति छोड़ दीजिए, 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बटा में क्रॉस ए हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिखेंगे, क्रॉस स्क्वायर ए बटा में क्रॉस ए, और डबल ऊपर डबल क्रॉस ए नीचे सिंगल क्रॉस ए, तो एक क्रॉस ए कट जाएगा, तो आपका ये ऊपर एक क्रॉस ए बचेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका डी नंबर करेक्ट है। 32 है कॉस थीटा के मान बराबर है, तो हम सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, तो हमसे कॉस थीटा की मान कर रहा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है वो उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, सही बच्चों को आ रहा होगा। अब जब ये स्क्वायर हटेगा तो ये
रूट में चला जाएगा। तो इस तरह से हम क्रॉस थीटा बराबर पाते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बी नंबर हो जाएगा। टेन 1 डिग्री इंटू टेन 2 इंटू टेन 3 ऐसे डॉट 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 करते करते टेन 89/63 चला गया। ठीक है, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, टेन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो टेन 1 डिग्री है शुरू में और लास्ट में क्या है, टेन 89 डिग्री। ठीक है ना, इनको जोड़ने पर 89 और एक कितना होता है, 90 होता है। तो इसका मतलब टेन 1 डिग्री इंटू टेन 89 डिग्री, इसका भी रिजल्ट एक होगा। कैसे होगा जरा सुन लीजिए, टेन 1 डिग्री के लिए आप टेन 90 माइनस 89 लिख सकते हैं। तेज आवाज मतलब भी आप कमेंट में हमको बता दीजिए, अगर कोई आपको दिक्कत है तो जरूर बता दिया करें। टेन 1 डिग्री के लिए टेन 90 माइनस 89 लिख सकते हैं। अरे भाई 90 में से 89 घटेगा तो 1 ही आएगा ना, और टेन 89 है, टेन 89 हमने लिख दिया। अब टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट 89 हो जाएगा इंटू टेन 89। तो कॉट 89 के लिए 1/2 टेन 89 भी दे सकते हैं और कटा दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि एक आएगा। तो इस तरह से हमारा बी नंबर करेक्ट है। दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में एबी बटा एसी, तो एक बात बताइए कि यहाँ पर जो अल्फा है तो अल्फा ने जो सामने वाला है वो आपका लंब हो जाएगा और ये वाला जो है आपका आधार हो गया। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, कर्ण। तो एबी यहाँ पर लिखा हुआ है एबी, अब देख लीजिए एबी क्या है, एबी तो आधार है तो यहाँ पर आधार लिखेंगे। ठीक है, और एसी, एसी क्या है, एसी आपका कर्ण है, कर्ण लिख दीजिए। तो आधार बटा में कर्ण, ठीक है ना, तो आधार बटा में कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, एक होता है कर्ण बटा आधार, एक होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण कॉस के लिए होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा में कर्ण। ठीक है, इसलिए हमने कॉस अल्फा बता दिया, यानी कि बी नंबर करेक्ट है। 35 है, लास्ट प्रश्न है, 35 तक से हम लाए हैं। आप एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, पूरी की पूरी बात हमारी समझ में आ जाएगी आपको। कॉस, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए, कॉस 48 है माइनस साइन 42 है, तो कॉस 48 इन माइनस साइन 42 है, तो कॉस 48 की जगह पर कॉस 90 माइनस 42 दे सकते हैं या नहीं दे सकते, जरा सोचिए इस बात पर। 90 में से 42 घटेगा तो 48 ही आएगा, और ये साइन 42 को ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है ना, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 42 हो गया और माइनस इधर भी साइन 42, तो ये साइन 42 माइनस साइन 42, इसका मतलब कि ये कट जाएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप सभी बच्चों ने आप 35 क्वेश्चंस को देखा, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी, और हम अगला जो है चैप्टर वो अगले वीडियो में लाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।